हे गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी स्टडी पॉइंट देयर फाउंडेशन। आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है फिजिक्स फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये आती है कि आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करें। और आप जो बच्चे नए हैं तो वो परेशान ना, उनका थ्योरी का भी बैच स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट होगा आपका 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल से आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से एक एक थ्योरी चलेगा। 5 अप्रैल से आपका फिजिक्स फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट होगा, जिसमें आप बिल्कुल एक एक क्लास की तरीके जैसे क्लासेस चलती सेम वैसे ही आप वीडियो में एक एक थ्योरी देख पाएंगे। लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए ये है, और की प्रश्न में भी आपको मदद करेगा। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सबसे पहली बात तो आंकिक प्रश्न को कैसे हल करें, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि जिस लेसन को पढ़ रहे हो उसका थ्योरी हमें पता होना चाहिए। उसका थ्योरी हमें पता होना चाहिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। फिर वही कहानी कि हमको जाना है कानपुर है, हमें पता ही नहीं रास्ता कानपुर की कहां है, तो हम कैसे करें। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो तो उसका थ्योरी हमें पता होना चाहिए। दिक्कत तो नहीं। सेकेंड आपका आता है मात्रक। जो आपके आंकिक सूत्र में प्रयोग किए जाने वाली जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक हमें पता होने चाहिए, और ये आपको थ्योरी में ही मिल जाएगा। तब आपकी कहानी आती है सूत्र। सूत्र हमें पता होना चाहिए और सूत्र में ये भी पता होना चाहिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किस जगह किया। और बिल्कुल घबराए नहीं कि आगे प्रश्न या न्यूमेरिकल हल करने में आपको ये दिक्कत होती है, ये नहीं समझ में आता है। बाकी आप अपने कमेंट्स में बताते जाइए कि सर हमें ये समस्या हो रही है, उसको हम उसी पे वीडियो बनाकर उसको क्लियर करते हैं। अब बात आती है जैसे आप स्टार्ट कर दिया, और ये कोई बच्चा अगर ये कहे कि बोले सर कैलकुलेशन नहीं आता, तो ये कैलकुलेशन का बेटा आपका बेसिक प्रॉब्लम है, इसको आप अलग से ट्राई करें कि क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। अब ये तो प्राइमरी सेशन का है, अब अगर आपको कैलकुलेशन सिखाया जाए 2×2=4 होगा जाके, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो इसमें ये नहीं कि आप सीखो नहीं, इसको आप अलग से प्रैक्टिस करिए, वो आ जाएगा। अब आंकिक प्रश्न सूत्र, और सबसे बड़ी बात कि आपको थ्योरी अच्छे से मिलेगा। जब हम न्यूमेरिकल लगाने जाए तो पहले एक बार थ्योरी को पढ़ें, फिर उनके फॉर्मूले और उनके जो मात्रक है उनको पढ़ें, फिर से एक बार थ्योरी को पढ़ें, फिर हम क्या करें कि 5 या 6 एग्जांपल्स हल करें। उस लेसन में 5 या 6 एग्जांपल्स हल करें। अभी तो हम लेसन से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेसन के बाद में आपको एग्जांपल बताएंगे। और सेकेंड लेसन जब स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको एग्जाम्पल बता दिया करेंगे, तो आप उसको नोट कर लिया करेंगे, फिर उसको सॉल्व किया करेंगे, तो उससे बिल्कुल आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर हम लेसन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में लेसन में एक बेसिक फॉर्मूला आता है, सबसे पहले क्यू बराबर एनी, जहां पे क्यू को आप बोलते हैं आवेश। क्यू को बोलते हैं बेटा आवेश। क्यों को बोलते हैं आवेश? अगर यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो होता है कूलम। इसी में एन आता है, एन को बोलते हैं बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई आता है तो ई को बोलते हैं बेटा मूल आवेश, और मूल आवेश हो आपका या आवेश हो यूनिट वही रहेगा। E का परफेक्ट एक वैल्यू होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। जब ये इलेक्ट्रॉन पे होता है तो नेगेटिव हो जाता है, जब ये प्रोटॉन पे होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। जब हम लेसन में पढ़ेंगे तो इसी को बोलेंगे क्वांट आवेश की क्वांटम, ठीक है ना? तो वो फिर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में आता है कूलम्स लॉ, जहां पे यह आपका होता है बेटा बल, और बल का जो मात्रक होता है न्यूटन। Q1 Q2 आपने पढ़ रखा है, R होती है बेटा दूरी बिंदुओं या आवेशों के बीच, आवेशों के बीच दूरी। और दूरी का कोई भी वो मात्रक आपका जो लेते हैं वो होता है मीटर। फिर से E की बात करें तो E होता है आपका वैद्युत क्षेत्र, मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट प्रति मीटर,
वोल्ट प्रति ई के लिए दो कंडीशन आती है आपका देख रहे हो, एक वैद्युत ध्रुव आता है, पहले आप देख लीजिए P बराबर होता है Q into 2U। वैद्युत द्विध्रुव में P द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसका मात्रक होता है बेटा कूलाम। अब उसके बाद में इसी द्विध्रुव के कारण तीव्रता के दो फॉर्मूले आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, तो दोनों कंडीशन होती है एक अच्छी स्थिति में दे रहा है तो बेटा 2P/r³। आप याद रखिए अच्छी में क्या होगा 2P/r³, मतलब कि जब इस डाइपोल को या इस द्विध्रुव को अच्छी स्थिति में रखा जाता है, इससे कुछ दूरी पे पॉइंट्स लेते हैं तब उसको सॉल्व करते हैं, वो थ्योरी में बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपका, तो वो होता है 2P/r³। निरक्षीय स्थिति में इसी डाइपोल को ऐसे रख के ना करके इसके निरक्षीय स्थिति में लाते हैं तो वो आपका फॉर्मूला 2P/r³ बनता है, बाकी सब आपका वही रहता है 1/4π/0 तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले जब तक क्लियर नहीं है तब तक न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो पहले वीडियो में हम केवल आपको फॉर्मूले के बारे में ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो लेशन फर्स्ट का है स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल नंबर 1 से कुमार मित्तल का हल कराएंगे। उसके बाद में आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे, जो अदर्स बुक है आपका अर्घ्य का है चित्रा का है और हमारे सेमेस्टर भी चलेंगे तो उसमें सब आपका पूरा टोटल हल करवा देंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं जो हमारी गलतियां हैं, हम उनको सुधार करेंगे और जिस तरीके का वीडियो चाहेंगे हम वो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, जय हिंद।